हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि टाइटल देख के आपको पता चल जाएगा कि आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ माय ग्लैम के कुछ प्रोडक्ट्स को। तो देख लेते हैं आज की इस वीडियो में मैं क्या आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही स्लो रेट से हम ग्रो हो रहे हैं, तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा मुझे और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलो और कुछ ना बोलते हुए जल्दी से आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं माई ग्लैम का मुझे एक इस तरह के पैकेजिंग में ये मिला है। मुझे मैंने ऑलरेडी खोल दिया है ताकि जल्दी हम रिव्यू कर सकें। तो कुछ प्रोडक्ट मैंने वहाँ से ऑर्डर किया हुआ है। तो जो पहला प्रोडक्ट है वो है मनीष मल्होत्रा का आई शेडो पैलेट। एंड जैसे पैकेजिंग से आपको दिखेगा बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लगता है, बहुत ही मज़ा आ रहा था मुझे ये देखने में। इसका MRP 1850 है, बट आपको अच्छे डिस्काउंट में मिल जाता है वेबसाइट्स में। अराउंड मुझे 1100 या 1200 का ये पड़ा हुआ है और इसके अंदर 9-in-1 आई शेडो पैलेट है। इसकी सबसे खास बात क्या है ना, मैं आपको पहले पैलेट दिखाती हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं बाहर से इतना ज़्यादा अच्छा पैकेजिंग और पकड़ने से ही वो जो लग्जरी एक होता है ना वो आपको लगेगा। हाँ, मतलब ब्रांड अच्छा उसने वर्क किया है पैकेजिंग के ऊपर। इसके बाद जैसे ही हम खोलेंगे तो आपको यहाँ पे एक कवर मिलेगा एंड देन दीज आर द पैलेट्स। तो देख सकते हैं ये है 9 पैलेट्स इसके अंदर। तो ये सारे कलर्स आपको मिल जाते हैं, 3 तरह के वेरिएंट में आपको मिलता है। तो मैंने जो वेरिएंट है वो सेलेक्ट किया है जिसमें ज़्यादा न्यूड्स थे, क्योंकि मेरा यूज़ में ये न्यूड पिंक्स ये ज़्यादा आते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा हल्का आई मेकअप करना पसंद है। आई एम नॉट दैट प्रो इन आई मेकअप, इसी की वजह से मैंने इस आई शेडो को प्रिफर किया है। एंड देख सकते बहुत ही ज़्यादा हाईली पिगमेंटेड है, मैं दिखाती हूँ आपको। सो लेट मी डू दिस गोल्ड वन। सो ये देख सकते एक ही बार में, ये देख सकते किस तरह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। साथ में बीच में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे एक शिमर वाला भी आपको मिल जाता है, जो ग्लिटराइज करते हैं ना उसके लिए भी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा पैलेट मुझे ये लगा इस बजट। थोड़ा सा मुझे लगता है ये वाला प्रोडक्ट मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है, क्योंकि बाकी ब्रांड्स में आपको और कम दाम पे ये मिल जाएंगे। बट एक तो ये है कि पिगमेंटेड है और साथ में इसको लेके ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। मैंने इसको ट्रैवल के पर्पज़ से ही लिया हुआ है। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिया है वो है माई ग्लैम पोर HD हाईलाइटर ड्यू। तो दो तरह के हाईलाइटर इसमें मिल जाते हैं। इसकी पैकेजिंग इतनी ज़्यादा आपको लगेगी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा लग्जरी है, बट प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, क्वांटिटी अच्छी मिल जाती है। तो ये है वो प्रोडक्ट। सो इस तरह के पैलेट में आपको मिल जाता है। एंड इसकी MRP 699 है, बट वेबसाइट में 300-400 के रेंज में जनरली ये मिल जाता है। तो जैसे ही आप खोलिएगा इस तरह का ये प्रोडक्ट है और एक कवर दिया हुआ है एंड देन इसके बाद ये रहा प्रोडक्ट। सो लेट मी जस्ट शो यू कि किस तरह से ये लगेगा आपको। सो ये वाला हल्का है एंड दिस, सो पिगमेंट्स बहुत अच्छे हैं आप देखेंगे। लेट मी ऑल्सो ट्राई द ये वाला थोड़ा डार्क वाला। सो डार्क वाला लेट मी ट्राई दिस साइड। या सो एक बार मैं लगा के भी आपको दिखाती हूँ। जैसे ही लगाते हैं एकदम सडनली द ग्लो, कैन यू सी राइट, यहाँ देखो आप और इस तरफ देखो। एंड लेट मी जस्ट पुट दिस साइड ऑल्सो। सो ग्लो आपको दिखेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हाइलाइटर है। आई एम रियली लाइकिंग दिस हाइलाइटर। एंड अगर आपको अच्छा हाइलाइटर चाहिए तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हाइलाइटर मुझे लगा। मूविंग टू द थर्ड प्रोडक्ट जो है मश्कारा, तो ये भी मनीष मल्होत्रा का है। जैसे वो पोज करके इसके अलग अलग वेरिएंट आपको मिल जाते हैं, तो ये मनीष मल्होत्रा का मश्कारा है। एंड इसका जो MRP है दैट इज़ 850 रुपीज़। एंड ये भी डिस्काउंट में मिल जाता है आपको, 600 रुपये तक में आपको आसानी से ये मिल जाएगा। पैकेजिंग अगेन, इसकी पैकेजिंग एंड इसकी पैकेजिंग आर विच एवर हैज़ दिस मनीष मल्होत्रा रिटर्न राइट, तो ये दोनों की पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा लग्जरी फील होगी आपको, बहुत ज़्यादा अच्छी। इसमें एक चीज़ है, इसमें ब्रश नहीं दिया, बट आई डोंट थिंक कि ब्रश की इतनी ज़रूरत होती है आई शेडो में, हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं राइट, तो इसके लिए ठीक है। सो कमिंग बैक टू मश्कारा, मश्कारा का भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है। अब देख सकते हैं इस तरह का इसका वॉन्ड है एंड ये भी बहुत अच्छा है। लेट मी जस्ट ट्राई।
सो इट्स रियली नाइस। इसका जो टेक्सचर है और ये है आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है एंड मैंने ट्राई भी किया, अच्छा लगा मुझे ये प्रोडक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, तो मैंने जो नेक्स्ट लिया है वो है एक काजल। एंड ये जो काजल है ना, ये सुपर फूड करके कुछ लिखा हुआ है एंड इंडिगो कलर में मैंने इसे लिया है। इसे मैंने यूज़ भी किया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, देख सकते हैं। मैं पिगमेंटेड आपको दिखाती हूँ एंड कुछ अलग ब्लैक से अगर आपको अलग कुछ ट्राई करना है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसका MRP मुझे याद नहीं, आई थिंक 395 है, बट मुझे शायद ये 99 या 199 में कुछ ऐसे में ये मिला हुआ है। मैं प्राइजेस डाल दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में। जो लास्ट प्रोडक्ट इस हॉल का है वो है ये माई ग्लैम का लिक्विड लिपस्टिक। एंड ये तो आप देख सकते हैं मैंने यही लगाया हुआ है एंड इट्स सो पिगमेंटेड, आपको मैं दिखा देती हूँ, एक ही बार आप लगाओ इतना ज़्यादा पिगमेंटेड। मुझे कुछ रेड कलर में चाहिए था तो मैंने इसलिए लिया, बहुत ही ज़्यादा वेरिएंट आपको मिल जाएंगे। साथ में अगर आप इनके वेबसाइट्स में जाओगे राइट, तो इसके वेबसाइट में आपको एक चीज़ और मिलेगी कि आप एक सर्वे फॉर्म भरो एंड देन कोई भी आपको एक प्रोडक्ट फ्री में मिल सकता है, तो आप ज़रूर उस चीज़ को जाके ट्राई करो। मुझे ये लिपस्टिक एंड काजल मुझे उसी ऑफर में मिला हुआ है, आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने ये किया। तो अगर आपको और कुछ प्रोडक्ट नहीं खरीदना है बट यू जस्ट वॉन्ट टू ट्राई माई ग्लैम, तो आप जाके ये चीज़ कर सकते हो। तो यही था एक छोटा सा हॉल माई ग्लैम के रिगार्डिंग। सो आई होप आज की ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी आप सबको। कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, बाय दोस्तों।